आरटीआई को मैं अपना धर्म समझता हूँ और व्यापार मेरा कर्म है, क्योंकि बिना रोजी रोटी के तो कुछ हो नहीं सकता। बड़ी मामूली सी घटना ने मेरे को लेटर्स टू एडिटर के लिए प्रेरित किया, जो कि अल्टीमेटली मेरे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा गया। मेरा ये सफ़र शुरू हुआ 1967 में, जब मैं दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ कश्मीरी गेट में ही हुआ करता था पुराने दिल्ली में, उसका सेकंड ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। और उन दिनों सिंगल डोर डीटीसी बसेस चलती थी, उसमें कंडक्टर पीछे गेट पर खड़ा हो जाता था। और आम ट्रेडिशन क्या था, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में, कि वो 50-50 कर देते, 10 पैसे दिए और उतर जाओ बिना टिकट लिए। 10 पैसे तुमने बचाए, 10 पैसे कंडक्टर की प्राप्ति हुई, नुकसान हुआ डीटीसी का। मैं माल रोड से लाल किला आ रहा था, 20 पैसे का टिकट होता था, मैंने 20 पैसे कंडक्टर को दिए, उसने नीचे उतर। मैंने कहा मैंने 50-50 नहीं किया, मैंने तो पूरे पैसे दिए, मेरे को टिकट दे। बोला तू नीचे उतर, तेरे को बताता हूँ कैसा होता है टिकट। मैं नीचे उतरा, उसने 5 पैसे के एक टिकट के कई टुकड़े करके मेरे पीछे फेंक दिया और कह के कि ले अपने टिकट को शहद लगा के चाट। अब इतना गुस्सा आया, पैसे पूरे दिए, एक बेईमान से गालियाँ सुनी और पब्लिक अथॉरिटी का नुकसान हुआ। तो डरपोक बहुत था मैं उन दिनों, पर सहन नहीं कर पाया इतना ज्यादती। तो उन दिनों दिल्ली में एक हिंदी का हिंदुस्तान निकलता था, जो हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी डेली आज भी निकलता है, तो उसमें एक नया कॉलम शुरू हुआ था संपादक जी हमारी दिल्ली में, जिसमें ग्रेवियंसेस पब्लिश होती थी। मैंने उसमें एक 5 पैसे के पोस्ट कार्ड पर ये सारी डिटेल्स लिख के डाल दी। जैसे ही वो पत्र पहुंचा, वो छप भी गया। मैं कॉलेज गया तो वहाँ पर एक डीटीसी की वैन मेरे को ढूंढते हुए आई। मेरे जब दोस्तों ने बताया तो मैं तो कोई डीटीसी की वैन वाले ढूंढ रहे, मैंने कहा आज तो ये अरेस्ट करने आ गए। मैं वहाँ से पिछले दरवाजे से कॉलेज छोड़ के भाग गया। जब अगले दिन मैं कॉलेज पहुँचा तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई तुम तो यूं ही कॉलेज छोड़ के भाग गए, वो तो कंडक्टर से माफ़ी मंगवाने लाए थे। मैंने कहा कि प्रिंट मीडिया इतना इफेक्टिव है, तो मैंने पत्र लिखने शुरू कर दिए, पर लिखने शुरू किए उस तरीके के कि जिससे सजेशंस देता था, ग्रीवियंस नहीं लिखता था। क्योंकि ग्रीवियंस लिखता, मैंने कहा कंडक्टर की नौकरी जाएगी, भुगतेंगे उसके परिवार वाले। तो मैंने सजेशंस उन पर निकाले और ऐसे सजेशन देता था कि जो व्यवहारिक हो। उस ज़माने में 4 आने और 8 आने, 25 पैसे और 50 पैसे के जो डायमीटर डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था, और 50 पैसे और 1 रुपये का डायमीटर डिफरेंस बहुत कम था। और जो ये निकल कॉपर एलॉय के कॉइन्स हैं, ये मिसयूज़ होते थे मेल्टिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो मेटल वैल्यू थी वो फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाती थी। तो मैंने इन्हें सजेशन लिखा रिजर्व बैंक को, मैंने कहा जी कॉमन डायमीटर डिफरेंस करो, मेटल ऐसा लगाओ जो कि मेल्ट नहीं हो सके। फिर उनकी टीम आई, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, और आपको जान के ताज्जुब भी होगा और खुशी भी होगी कि जो स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स थे 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के, ये एग्जैक्टली जो मैंने उन्हें डायमीटर साइज दिए थे और स्टेनलेस स्टील मेटल सजेस्ट किया था, उसमें जारी हुए। तथा एक बार मैंने पोल रिफॉर्म्स पे लिखा, तो पोल रिफॉर्म्स के सजेशंस मैंने ऐसे सारे राजनीतिक दलों को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको भेजे। तो उस समय उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब, उन्होंने मेरे को एक हैंड रिटन प्लेन पेपर पे चिट्ठी भेजी, लिफाफा भी सेल्फ एड्रेस था, टिकट भी वो शेर की मूर्ति वाला सरकारी नहीं था। और उसकी शुरुआत उन्होंने ऐसे करी, यू थिंक सो सीरियसली एंड सिंसियरली इन पब्लिक इंटरेस्ट डेट यू आर माई पर्सनल फ्रेंड एंड आई विल नॉट यूज ऑफिशियल मशीनरी इन कम्युनिकेटिंग विद यू। मेरे लिए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज़्यादा ये सर्टिफिकेट था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ अ ब्यूटिफुल बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल सच सर्टिफिकेट्स विच आई रिसीव फ्रॉम सो मैनी पीपल। मैंने पेटिशंस का अंबार लगा दिया, और उसमें मेरी मेन पेटिशन जो थी जुडिशरी पे रिलेटेड थी,
जो मेरी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पिटीशन हुई वो थी वेल डिक्लेरेशन ऑफ जजेस. दे हैड टू अल्टीमेटली सुओमोटो डिक्लेयर देयर वेल्थ ऑन द वेबसाइट. छह हजार पिटीशन मेरी लग गई, कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट की नहीं है, वाइड रेंजिंग पब्लिक इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स में है. मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मेरे पीएमओ में, प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पे भी हो. अब लोग वह कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता आप पे हमले का? देखिए मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को किसी पब्लिक अथॉरिटी ने परेशान नहीं किया. सिर्फ जो मोस्ट करप्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी तरफ से ज़रूर एक दो तीन बारी इस तरीके की हरकत हुई है. आरटीआई एक्शन एक्ट जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एंड नॉट टू एक्शन, पर मैंने उसे राइट टू एक्शन बना दिया. उसे मीडिया से शेयर करके गवर्नमेंट को फोर्स करता हूँ कि वो उन इरेगुलरिटीज़ को दूर करे. पहले ये एक पार्ट टाइम पैशन था जो कि अब फुल टाइम एक्टिविज्म में कन्वर्ट हो गया है. रोज़ मेरे को कमीशन्स की हियरिंग में जाना पड़ता है, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को आरटीआई को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग के लिए मेरे को बाहर भेजती रहती है. इनसे मतलब एनकरेजमेंट मिलता है. तो यही छोटी सी कहानी है.